Hi everyone, a very, very good evening. First of all, good evening to Orange International School, Kesar, and everyone who will be joining from Jammu and Kashmir. Welcome everyone from Small Wonders and Bhavnagar across Gujarat, everyone who is joining with me and my Instagram lovers who are going to join me. So a very good evening, day four, live at 5. Mom Harsha's show. Thank you so much. And the topic that today I have chosen to speak is given by one of my friend Pooja. She happens to be one of my very good friends, and she said that Harsha, every time you're talking about parenting, every time you're talking about children, every time you're talking about games, why don't you focus on the women who are out there in their homes? So yesterday when I was just talking to her, it struck my mind that yes, the status actually today, during this 21 days is holiday mode on. But is this holiday for the females, the moms, the ladies out there who are inside their homes? Ya unka bhi work mode on hai? Like not work mode on main bolungi, work load on. ये तो सच में मेरे दिमाग में आया ही नहीं. सो थैंक यू पूजा फॉर गिविंग दिस टॉपिक टू मी. तो चलिए आज हम, हाय संध्या शिम्पी, हाय डियर, हाउ आर यू? सो नाइस टू सी यू हियर ऑन माय लाइव शो. सो टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज विमेन एट होम, हॉलीडे मोड ऑन और वर्क लोड ऑन. आई एम श्योर जितने भी मुझे सुन रहे हैं, स्पेशली लेडीज जो मुझे सुन रही है, दे आर गोइंग टू टिक ऑन द वर्क लोड ऑन. एंड व्हाई आई एम प्रेशराइजिंग ऑन दिस वर्ड लोड, बिकॉज सच में अगर मेरी बात बोलूं, आई एम नॉट अ हाउस वाइफ, आई एम अ मिक्स्ड बैग. आई एम अ वर्किंग वुमन एंड अ हाउस वाइफ एंड अ मॉम, तो आई एम अ मिक्स्ड बैग. तो मेरे लिए सच में वेकेशन तब शुरू होगा जब ये 21 दिन खत्म होंगे. एंड आई एम श्योर एवरीवन जो मुझे सुन रहे हैं, दे विल रियली फील द सेम. हार्दिका हाय, सो नाइस टू सी यू. तो जितनी भी मम्मियाँ, जितनी भी लेडीज मुझे सुन रही है, वो डेफिनेटली इस बात पे वाउच करेंगी कि अभी जो टाइम है वो हमारा हॉलीडे टाइम तो बिल्कुल नहीं है. बिकॉज अभी जो मैं घर का एक दृश्य डिस्क्राइब करने जाने वाली हूँ, आई एम श्योर मैनी ऑफ यू विल रिलेट. हाय भावना, सो नाइस टू सी यू. तो आज जो मैं ये एक दृश्य बताने जा रही हूँ, आई एम श्योर कि ज्यादातर घरों में यही होता होगा. तो आज हम नारी जो सबसे और सब पे भारी है, वो बेचारी अबला अभी है इस 21 दिनों के लिए. बिकॉज घर में क्या होता है, सुबह का टाइम है. फॉर एग्जाम्पल, एक तो मेड्स नहीं है सबसे पहले. ज्यादातर घरों में जिनके घर पे 24 घंटे मेड्स रहते हैं उनकी बात अलग है, पर बाकियों के घर पे अभी तो मेड्स है नहीं. तो एक लौती मेड है सबके घर में और वो है नारी. तो आई एम नॉट ट्राइंग टू डिग्रेड दैट नारी, बट लेट्स टेक अ लिटिल फन आउट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज, यू नो. तो सुबह का टाइम, हाय एकता, सो नाइस टू सी यू. इंस्टाग्राम के जो भी हैं उन सबको मैं बारी बारी बाद में हाय करूंगी, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू मेक द सीन जो घर पे होता है सुबह. नॉर्मली द रूटीन, एक तो मेड्स नहीं है इसलिए द होल लोड ऑफ द वर्क इज ऑन द फीमेल. बिचारी, मैं बिचारी उस तरीके से नहीं बोल रही हूं, पर अभी क्योंकि सारे लोग घर के जितने मेंबर्स है, जितने भी काउंटिंग हेड्स है, दे आर सिटिंग डेफिनेटली ऑन आर हेड्स. एंड एक संडे, 7 days में से वेन वी हैव वन संडे वेन वी हैव टू जेलोफाई ऑल ऑफ दीज पीपल एट होम, तो हमको लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द डे, ओ माई गॉड. एंड नाउ फॉर द मेल्स आउट इन द हाउस, इट्स अ संडे फॉर 21 days, एंड फॉर आस ईच डे इज अ मंडे. है कि नहीं है? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ओ माय गॉड, दैट इज द बोनस. एक तो वो स्कूल नहीं जा रहे, हस्बैंड्स कहीं नहीं जा रहे, एंड द टेलीविजन, उसके ऊपर क्या चल रहा है? कोरोना वायरस न्यूज, कुछ ना कुछ वही चल रहा है. एंड वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू ऑल कि मॉर्निंग का जो सीन है, नाउ दिस फीमेल, एनी फीमेल, यू कैन टेक मी इन दैट, यू कैन टेक एनी वन ऑफ यू ऑल इन दैट. तो सुबह उसके दिमाग में क्या चल रहा है? जल्दी से ये लोग उठ जाएं तो ब्रेकफास्ट हो जाए, तो उसके बाद लंच के बारे में कुछ सोचे.
एंड दीज पीपल हु आर इन आर हाउस, उनको क्या है, अरे यार उठ के कहाँ जाना है, उठ के घर में ही तो रहना है, तो थोड़ी लेट उठे। अरे भाई तुमको लेट उठना है, हमारा तो काम चालू है, हमको तो उसके बाद वाला काम करना है, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला। हमारी कहाँ छुट्टी लगी पड़ी है, हमारी तो वैसे ही लगी पड़ी है, आप लोग घर के अंदर हो। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग इट लिटिल ऑन अ लाइटर नोट, सो डोंट माइंड व्हाट आई एम टॉकिंग, बट रियली ये सारे विचार सबके दिमाग में आते हैं। एंड नाउ दीज नवाबजादेज ऑफ आर हाउस, दे गेट अप एट एनी टाइम दे वॉन्ट। वन पर्सन गेट्स अप एट 8:30, थोड़ा जल्दी बोल दिया, आई नो कि 8:30 अभी तो मेल्स तो कोई उठते ही नहीं होंगे। एक 9:30 को बंदा उठता है, उसको तभी चाय नाश्ता चाहिए, दूसरा 10 बजे उठता है, उसको तब चाय नाश्ता चाहिए। अरे यार मेरा भी हॉलिडे मोड ऑन है, और ये लोग, इनको अगर घर में कोई भी काम आप दे दो, अरे यार ये सब मुझको ही करना है, हाय पूजा हाय। तो ये इनकी जो डिमांड्स हैं वो कम होती नहीं है, अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से डिमांड छोड़ते हैं, और हमको वो डिमांड, बिकॉज हमारे पास मेड नहीं, और हम, हमारा एक ही स्लोगन रहता है जब हम बोलते हैं उनको कि यार देखो हाँ, तुम लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना, एक तो मेड भी नहीं है, मुझको सब हाथ से ही करना है, अपने हाथ से ही करना है। और सामने जवाब क्या मिलता है, मेरे घर में तो मुझे मिला, आई डोंट नो आपके घरों में मिला कि नहीं, लो मेड के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ओ हो, मेड के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, पूरा हम आपको संभाल तो रहे हैं, अब इससे ज्यादा क्या करें, जो भी डिमांड्स है वो पूरी तो कर रहे हैं। और उससे ज्यादा अभी क्या होता है कि घर पे रहने लगे तो खाते भी ज्यादा हैं, दिक्कत नहीं है, चलो दे आर मेकिंग देयर हेल्थ, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, पर डिमांड्स बढ़ती जाती है यार। एक तो हम लोग इस गफलत में हैं कि ये 21 दिन हैं जो कम जल्दी से निकल जाएं हमारे, इसलिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एक तो हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो 8:30 बजे शुरू होके कभी कभी 1 बजे तक चलता है, बिकॉज वन मेंबर कीप्स ऑन सिटिंग ऑन द टेबल फॉर द चाय एंड नाश्ता। हम लंच कब बनाए, और लंच में भी अगर एक चीज 19-20 हो जाए तो देन दे हैव टू टेल यार आज तुमने ये नहीं बनाया, आज तुमने, अरे भाई इतना बन गया मेड के बगैर, बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है? और आप लोगों ने क्या किया इसके अंदर ऑर्डर देने के अलावा, एम आई राइट? भावना, अश्विन, हाय हाय, योगिनी, दलेर, आई विल कम बैक टू योर रिक्वेस्ट ऑल्सो, बट लेट मी फिनिश दिस रूटीन। सो मॉम्स रियली वॉन्ट टू फिनिश द रूटीन बिकॉज दे हैव अनदर रूटीन, सुबह के बाद, दोपहर, दोपहर के बाद, शाम, शाम के बाद, रात, और इनकी फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। एंड एक एक मिनट पे प्लीज गिव मी दैट न्यूज़पेपर, प्लीज सी टू इट द चिल्ड्रन मेक लेस नॉइज, एक पानी का ग्लास, ओ एक कॉफी, एक चाय, कैन यू पुट माई फोन ऑन चार्जर, कैन यू गिव मी माई फोन, कैन यू गिव मी दिस। अरे यार वजन मेरा कम होना है, वो जब होगा तब होगा, लेकिन यू ऑल डोंट टेक चार्ज ऑफ ऑल दिस यार, कम ऑन। कुछ ऐसे घर भी हैं, लकी घर, कितने प्रतिशत या हाउ मेनी ऑफ देम आई डोंट नो, बट वेरी लेस पीपल आर देयर हु हेल्प देयर वाइव्स इन ट्रू सेंस। और अगर ये जो है ना, कितने प्रतिशत है आई डोंट नो, बट जितने भी प्रतिशत हैं ये लोग थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं वाइफ को, तो वाइफ का दर्द समझते हैं, तो वो बोलते हैं चलो ठीक है, ओके टुडे वील मेक ओनली वन थिंग, यू हैव नो हेल्प एट होम, सो कम ऑन लेट्स डू, लेट्स ईट वन थिंग। लेकिन वो भी कितने दिनों तक, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद में ही इज ऑल्सो गोइंग टू कम एंड टेल यू द सेम थिंग, यार ये 21 दिन तक चलने वाला है, तो ये क्या, ये रोज एक एक चीज क्या हमको 21 दिन तक खानी है? और मेड के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती, दिस इज द रिप्लाई दैट आई गेट एट माई होम। आई एम श्योर आपको हार्दिका इज टेलिंग मी दैट आई एम करेक्ट, सो एवरी वन मस्ट बी पासिंग थ्रू दिस फेज। यार छुट्टियां मिली हैं, तुम लोग छुट्टियां एंजॉय कर रहे हो, थोड़ा हमारा तो प्रॉब्लम समझो। तो मेरा वेकेशन तो तब शुरू होने वाला है जब ये लोग अपने रूटीन में जाएंगे, ये लोग घर में हैं तब तक आई एम नॉट ऑन वेकेशन मोड, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं आप लोग कौन से मोड में हो, क्योंकि हर टाइम यार मेरे को ऐसा लगता है मैं टोस पर ही हूं हर टाइम। कोई मेरा लड़का कुछ डिमांड कर रहा है, मैं पूरी करती हूं कि नहीं इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन, ओके? वो अभी मैं क्या बात कर रही हूं, दे आर डिमांडिंग, माई हस्बैंड इज डिमांडिंग वन थिंग, माई डॉटर इज डिमांडिंग वन थिंग, आई मीन आई हैव द वेसल्स टू वॉश, आई हैव द क्लोथ्स टू पुट देम फॉर ड्राई, आई हैव टू फोल्ड देम, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, हाई मनीषा मैम, हाउ आर यू, सो नाइस टू सी यू, सो और ऑन द टॉप ऑफ दैट यू हैव एवरी 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 थिंग टू टेल मी, और मेड का ताना तो मिलता ही है,
मिलता ही है. एंड व्हेन आई टेल माय हस्बैंड फॉर एग्जांपल, आज हम जल्दी से खाना फिनिश कर लेंगे बिकॉज आई हैव टू वॉश द वेसल. अच्छा, मेड नहीं है तो मतलब मैं तुम्हारे रूटीन से चलूं? ओ माय गॉड, इसको कोऑपरेशन बोलते हैं भैया, इसको कोऑपरेशन बोलते हैं. तो जितने भी मेल्स मुझे सुन रहे हैं, और अगर जो फीमेल सुन रही है, प्लीज ये वीडियो अपने हस्बैंड को सुनाइएगा जरूर से. वी आर डिमांडिंग फॉर सम कोऑपरेशन यार. हम लोगों को भी हॉलीडे मिला है तो एंजॉय करने दीजिए ये हॉलीडेज हम लोगों को. पर नहीं, इनके लिए तो ये वेकेशन पीरियड है क्योंकि ये कभी ऐसे रहे नहीं ना, तो इनके लिए तो अरे यार हमको भी कंटाला आ रहा है, दैट इज वॉट दे हैव टू टेल. तो ओके, आपको कंटाला आ रहा है तो हम क्या करें इसमें, हम क्या करें? सो दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, ये नोक जोक होती रहती है. बट टुडे व्हेन आई वाज इन द मॉर्निंग, व्हेन आई वाज हियरिंग टू सिद्धार्थ रांदेरिया, अ वेरी फेमस गुजराती थिएटर आर्टिस्ट, ही वॉज लाइव फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड ही सेड कि मेरा एक ही मंत्र है, घर में रहना है और खुश रहना है, तो जो मेरी बीवी बोले उसमें हाँ बोलूं. आई डोंट नो वेदर ही इज गोइंग टू प्रैक्टिस दैट बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रैक्टिस टू मेक. बट अगर ये सारे मर्द जो हमारे घर में भी हैं, सारे पुरुष जो हमारे घर में भी हैं, वो तो थोड़ा सा हमको समझने की कोशिश करें. इट्स नॉट दैट मेड इज अ क्वेश्चन, दैट मेड इज नॉट देयर, दैट इज अ क्वेश्चन. बट शायद जो मेल्स हमारे घर में हैं, अगर वो 24 घंटे अब घर में रह रहे हैं, तो अगर वो देखें कि एक फीमेल जो उसके घर में है वो राउंड द क्लॉक कुछ न कुछ काम में व्यस्त रहती ही है, तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन अगर मिल जाए तो उसके जैसा कुछ भी नहीं है. टुडे दीज मेल्स हैव द टाइम टू सिट एट होम, तो थोड़ा सा वो देख सकते हैं कि राउंड द क्लॉक दिस फीमेल इज सर्विंग एवरी वन विथ स्माइलिंग फेस, विथ हर आईब्राउज लाइक दिस, या जैसे भी, बट दिस फीमेल इज राउंड द क्लॉक डूइंग एवरी थिंग. उसको छुट्टी कभी नहीं मिलती. एंड वन पोस्ट थोड़े दिन पहले स्वाति मैम ने पोस्ट डाली थी दैट देर इज अ लेडी इन दिस पिक्चर एंड शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड ओवर द फोन, एंड द फ्रेंड फ्रेंड इज आस्किंग दिस लेडी, इज योर हस्बैंड स्टेइंग एट होम एंड हेल्पिंग यू? तो दिस लेडी इज टेलिंग नो ही इज नॉट हेल्पिंग, बट एट 5 o'clock ही मेक्स श्योर दैट ही क्लैप्स फॉर मी. आई मीन रियली, मतलब ये सच की बात है कि अगर अप्रिसिएशन पूछे तो देन हस्बैंड बोलते हैं मैं 5 बजे ताली बजा दूंगा. यार कम ऑन. हाय दर्शना मैम, हाय प्रियंका, एवरी वन हाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. तो हस्बैंड्स जो हैं, मैं वो ही बोलूंगी कि सपोर्ट करने की बारी आती है. कुछ हस्बैंड्स हैं जो करते हैं, पर किचन में कितने करते हैं आई डोंट नो, और अगर करते भी होंगे तो आई थिंक काम घटाने से ज्यादा काम बढ़ा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल माई हस्बैंड कि आज हेल्प मी टू डू समथिंग, ही विल रियली स्पॉइल एवरी थिंग. मेरा और 1 घंटा जाएगा उसमें साफ सफाई करने में. तो इट्स बेटर कि मैं ऐसा बोलती हूँ कि आप लोग शांति से सोफा का एक कोना पकड़ के बैठ जाएं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी हेल्प है. सेकेंड, आप कुछ डिमांड ना कीजिए, ये उससे भी ज्यादा बड़ी हेल्प है. ये तो क्या होता है पता है, सुबह में सोफा अगर आपके घर में है, या शेटी, या वॉट एवर यू हैव इन योर ड्रॉइंग रूम, एनी सिटिंग एरिया दैट यू हैव, यू हैव जस्ट डस्टेड एवरीथिंग, यू हैव स्प्रेड द मैट्रेस एंड एवरीथिंग, एंड 10 मिनट्स आप जाकर आओ, एवरीथिंग इज अप एंड डाउन, पूरा बिगाड़ के रख देते हैं. अगेन यू आस्क देम टू स्टैंड अप एंड वॉट दे हैव टू टेल अस, यू नो, अरे यार कौन आने वाला है घर के अंदर, यार कौन आने वाला है घर के अंदर, रहने तो ऐसे का ऐसे. यू सी द टिपॉय, इट्स फुल ऑफ ग्लासेस, इट्स फुल ऑफ नाश्ता का डिशेस, न्यूज़पेपर्स लाइंग हियर एंड देयर, द चार्जेस एंड एवरीथिंग. यू आर पुटिंग थिंग्स इनटू इट्स प्लेस, अगेन दे आर कमिंग एंड एवरीथिंग. मेरे को ऐसा लगता है कि 21 दिन के बाद, पहले तो 2 दिन का मेरे को हॉलीडे लेना है ये ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए. आई एम ऑफ इट, आई एम रियली ऑफ इट. हर जगह जहां जाओ लंबे होके पड़े हुए हैं, ये लंबी लंबी टांगे फैला के पड़े हुए हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और जिस पोजीशन में न्यूज़पेपर खोला है उसी पोजीशन में वो न्यूज़पेपर पढ़ा है. मासी इज देयर टू कम एंड फोल्ड द न्यूज़पेपर. आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीवन, बट जस्ट ट्राइंग टू मेक इट ऑन अ लाइटर नोट. हाय झरना मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. एकता, आई एम रीडिंग योर कॉमेंट, इवन आई रीड दैट एंड इट्स नॉट रियली टू अप्रिशिएट एट एंड क्लैपिंग एट 5. आई रियली अग्री टू दैट. दर्शना मैम आप भी कुछ बोल रहे हैं. फॉर योर हस्बैंड इट्स द लंच टाइम नाउ. वो ही मैंने बोला ना, रूटीन पूरा बिगाड़ के रख देते हैं ये लोग. 21 दिन के बाद, मैं सच बोलूं, पहले तो मैं 2 दिन का ब्रेक लेने वाली हूँ, इस ट्रॉमा से बाहर निकलने वाली हूँ, एंड आई एम गोइंग टू टेल माई हस्बैंड कि 2 दिन के लिए आप लोग कहीं और चले जाओ. दैट इज द वेकेशन फॉर मी, रियली इन ट्रू सेंस दैट इज गोइंग टू बी द वेकेशन फॉर मी. यार ये कोई वेकेशन, ये कोई हॉलीडे है हमारा?
पका के रख दिया इन लोगों ने सच में. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रूड बट दिस इज वॉट एवरी वन फील्स. जितनी भी मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरी बात होती है ना तो सब लोग यही बोलते हैं यार घर में पड़े पड़े यार इन लोगों को कुछ काम धंधा होता नहीं है और पूरे टाइम डिमांड छोड़ते रहते हैं. तो ये थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया पर इस बीच में मैं सिर्फ लेडीज से इतना कहना चाहती हूँ, स्पेशली जो लेडीज हाउसवाइफ्स हैं और जो लेडीज बैलेंस कर रही हैं वर्क को घर से, क्योंकि अभी कुछ काम भी ऐसे हैं जो घर से भी कुछ लेडीज मैनेज कर रही हैं, तो सर के ऊपर बर्फ रखिए. और बर्फ इतना भी मत रखिए कि आपको सर्दी खांसी जुकाम और बुखार हो जाए, इतना भी मत रखिए. वरना ये मैं इस टोन में कह रही हूँ, जितना ज्यादा बर्फ रखेंगे ये घर में जो मेल्स हैं ना सर पे चढ़ते जाएंगे. थोड़ा उनको समझाइए कि भाई ये जो टाइम है हम मैं उस दिन भी बोल रही थी कि मुझे लगता है कि डिवोर्स के रेशियोज 21 दिन के बाद बहुत देखने को मिलने वाले हैं. तो थोड़ा सा उनको बोलिए कि कोऑपरेट कीजिए. इट्स अ टफ टाइम फॉर एवरी वन, फॉर अस ऑल्सो, बिकॉज हम लोगों को ऐसे हनीमून पे भी मुझे नहीं लगता 21 दिन हम लोग इतना साथ में रहे हैं. पता नहीं कितने लोग 21 दिन रहे हैं, तो मजा भी आता है. लेकिन पूरे दिन में एक बार चिड़चिड़ापन हो ही जाता है सब लोगों को. तो हस्बैंड्स को भी बोलूंगी कि वाइफ जो पूरा दिन कर रही है घर के अंदर, तो थोड़ा सा उस चीज को देखिए, उस चीज को अप्रिशिएट कीजिए दिल से, और हो सकता है तो थोड़ा सा हेल्प कीजिए जो भी चीजें आप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो न्यूज़पेपर को फोल्ड करके रख दीजिए. अगर आपको पानी पीना है तो ऑर्डर मत फाड़िए, प्लीज गेट अप फ्रॉम दैट सोफा. बिकॉज आज ही मैं किसी का पोस्ट पढ़ रही थी कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, पेट तो जरूर बाहर निकलने वाला है. तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गेट अप एंड ड्रिंक वाटर एंड सर्व अस ऑल्सो दैट ग्लास ऑफ वाटर. तो इतना कर दीजिए. खाना खाने के बाद कई मेल्स को आदत है डिशेज नहीं उठाने की, तो ये भी थोड़ा सा आप कर सकते हो. रश्मि मैम इज राइटिंग समथिंग, आई रीड दैट कॉमेंट. हाई मैम, प्रकाश इज इंजॉइंग योर लाइफ चैट, थैंक यू सो मच, सो नाइस दैट मेल्स आर रियली टेकिंग इंटरेस्ट. तो घर पे थोड़ा सा काम कीजिए और ये जेंडर इनइक्वालिटी और इक्वालिटी की जो हम बातें करते हैं ये सही टाइम है उसको प्रूव करने का. तो 21 दिन के बाद शायद ऐसा भी हो जाएगा कि पूरा देश जो है वो सही में जेंडर इक्वालिटी को समझ पाएगा. मैं इस चीज़ को इस तरीके से भी ले रही हूँ कि आज जो मेल्स घर में हैं वो वाइफ्स के काम को समझें, उनको हेल्प करें, क्योंकि कोई काम पे ये टैग नहीं लगा कि ये काम फीमेल्स का है ये काम मेल का है. तो हेल्प कीजिए वाइफ्स को. लेडीज को इतना बोलूंगी कि थोड़ा है चिड़चिड़ापन, थोड़ी इरिटेबिलिटी है, हम लोग चिढ़ जाते हैं. बिकॉज वाइफ्स को मैंने जैसे बोला हाय अमी, वाइफ्स को जैसे मैंने बोला कुछ वाइफ्स को ऐसा कीड़ा रहता है घर एकदम क्लीन स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए, तो थोड़ा सा चला लीजिए, हर टाइम झगड़ा मत कीजिए. हो सकता है थोड़ी चीजें इधर उधर हो जाए, बिकॉज इनको भी घर में रहना पता नहीं है कैसे रहना, बिकॉज इतना दिन ये लोग रहे नहीं घर पे. तो थोड़ा सा वो समझे, थोड़ा सा हम समझे. और थोड़ा सा मैं लेडीज को स्पेशली बोलना चाहूंगी कि इस दौरान ये 21 दिनों के दौरान थोड़ा सा अपनी डाइट पर भी ध्यान दें, थोड़ा सा अपने हेल्थ पर भी ध्यान दें. हेल्थ में ये मैं कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा पूरे दिन में अगर हो सकता है तो 15-20 मिनट, नॉट मोर बट 15-20 मिनट्स, फाइंड अ कॉर्नर इन योर हाउस एंड सिट एंड ट्राई टू टॉक टू योर सेल्फ, ट्राई टू मेडिटेट. मेंटल शांति बहुत 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 जरूरी है. तो कोई भी ऐसी आर्म चेयर हो आपके घर में, गैलरी हो जहाँ पे कोई झूला हो, ना हो तो कोई सोफा हो, ऐसा ऐसा कोई कॉर्नर ढूंढ लीजिए 15-20 मिनट. ट्राई टू, अगर आपको सॉन्ग्स पसंद है तो थोड़े सॉन्ग्स लगा कर भी आप सुन सकते हो. तो ये पूरा जो दिन का जो थकान है, पूरी दिन की जो इरिटेबिलिटी है वो उससे निकल पाएगी. और 21 दिनों के बाद शायद आप अपने आप को ज्यादा पेशेंट मान पाएंगे. पेशेंट मतलब धैर्यवान, मैं उस नोट पे बोल रही हूँ, क्योंकि आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दिस एंड आई हैव फाउंड दैट इन अ वीक्स टाइम आई हैव ट्राई टू फाइंड आउट दैट आई एम रियली गोइंग टेस्टिंग ऑन माई पेशेंस स्किल्स, और मैं देख रही हूँ कि मेरी पेशेंस लेवल जो है वो बढ़ रही है. तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. और ज़्यादा आज मैं कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज मुझे यही आज छेड़ना था मॉम्स का जो वर्किंग मोड ऑन है उसको. तो हस्बैंड से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा वाइफ्स को समझे, वाइफ से रिक्वेस्ट है बहुत इरिटेबल ना बने, 21 दिन का टाइम है चला जाएगा.
और हस्बैंड्स प्लीज खाने की बहुत डिमांड मत कीजिए बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउट एंड गेट एवरीथिंग. एंड टुडे आई वाज रीडिंग सम न्यूज आल्सो कि अभी घर पे भी वो लोग डिलीवरी करने वाले हैं सब्जी की, तो हस्बैंड्स के लिए तो इट इज द चेरी ऑन द केक कि सब तो अब घर बैठे बिठाए मिल जाने वाला है, तो ये बना दो वो बना दो. एंड हस्बैंड सम हस्बैंड यू वेरी रोमांटिक वे टू टेल, ए तूने यार कितने दिनों से ये रवा डोसा नहीं बनाया, अरे यार सीधी तरह से बोलो ना ठूसना है. सो यू नो ऑन अ लाइटर नोट, दिस इज रियली ऑन अ लाइटर नोट, आई नो हस्बैंड्स की भी अपने तौर तरीके होते हैं वाइफ से नोकझोंक करने के, वाइफ से अपनी चीजें मनवाने के, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन दैट. सो लेट्स लिसन टू देम, लेट्स ट्राई एंड यू नो मेक देम हैप्पी. एंड हस्बैंड्स आई वुड रिक्वेस्ट कि आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए वाइफ को, थोड़ा सा हेल्प कीजिए. बर्तन मांजने को, कपड़े धोने को तो मैं नहीं बोलूंगी, बट एटलीस्ट अपने डिशेज वगैरह तो आप रख ही सकते हो, डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हो और डिमांड्स थोड़ी सी कम कर सकते हो 21 दिन के बाद. आई एम श्योर 21 दिन के बाद जब ये लॉकडाउन खत्म होगा रेस्टोरेंट्स में गिरदी बहुत मिलने वाली है, रेस्टोरेंट्स में आई एम श्योर, थिएटर्स मॉल सब, तो उसमें भी थोड़ा हम ब्रेक लगाएंगे, तुरंत ये खत्म होने के बाद भागेंगे नहीं. हाय रेखा, सो नाइस टू सी यू. तुरंत हम भागेंगे नहीं बिकॉज स्थिति कितनी कंट्रोल में है कितनी नहीं है हमें नहीं पता है. और इस नोट पे मैं भावनगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है, जो पूरा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो इतना केयर कर रहे हैं, मैं उनको सच में क्लैप करना चाहती हूँ बिकॉज द गवर्नमेंट इज रियली 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 ऑन इट्स टोज. और कितने लोगों को वो लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जो क्वारंटाइन में हैं, जो नहीं हैं, और सब जो हमारे ग्राम्य विस्तार में विलेजेस में जो लोग दूसरी सिटीज में से आ गए हैं, जो लोग छुप रहे हैं उनको भी वो लोग ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं. एंड दे आर ट्राइंग टू मेक आवर सिटी आवर स्टेट आवर कंट्री फ्रॉम गेटिंग रिड फ्रॉम दिस कोरोना वायरस. तो रियली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को मेरी बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन है और बहुत 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 अप्रिसिएशन है कि वो लोग बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं डे एंड नाइट. अभी तो मैंने सुना अभी 4 बजे कि उन लोगों ने ड्रोन्स भी छोड़ दिए हैं ताकि पता चले कि लोग कहीं इकट्ठा नहीं हो रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू ईच एंड एवरी पर्सन पॉसिबल, ईच एंड एवरी पर्सन पॉसिबल. तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं जो बाहर गांव से आए हैं और जिन्होंने अपना टेस्ट नहीं करवाया है या जो क्वारंटाइन में हैं, अपना ख्याल रख लें, थोड़ा सा सावचेती आप भी रखें, आप थोड़ा सा केयर रखें और गवर्नमेंट को हेल्प कीजिए. स्टे एट होम, स्टे एंजॉय एट होम. और कल फिर से 5 बजे कुछ ह्यूमरस लेके आने के लिए सोच रही हूँ, तो अगर कुछ टॉपिक है आपके पास कि जिस पे मैं बात कर सकूँ तो प्लीज़ इस टॉपिक को यहाँ पर कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए. देर इज समवन हियर, शबीर इज आस्किंग माय इंट्रोडक्शन. शबीर, आई एम हर्षर रमैया, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ स्मॉल वंडर्स. आई लिव हियर इन भावनगर गुजरात एंड आई एम लाइव फ्रॉम कैसर्स ऑरेंज इंटरनेशनल स्कूल पेज ऑल्सो. आई रन अ प्री स्कूल हियर इन भावनगर. हाई मिस्टर जुगल बारोट, थैंक यू सो मच. आई एम हैप्पी व्हेन मेल्स जॉइन इन एंड लिसन टू माई कॉन्वर्सेशन. तो स्टे एट होम, स्टे हैप्पी. और कोई भी टॉपिक हो लिसनर्स, प्लीज़ अगर आप उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ड्रॉप इन. और यहाँ पर मैं जो मेरे इंस्टाग्राम के व्यूअर्स हैं उनको हाय बोल दूँ. हाय रिद्धि, हाय जलपा, हाय राहिल, हाय एवरीवन. और जिनको मैं भूल जा रही हूँ या स्किप कर जा रही हूँ उनको मैं अभी जाकर कॉमेंट सेक्शन में हाय बोलूँगी. बट दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. सो लेडीज़, सबसे ज़्यादा धरती का बोझ हम पर ही है, तो हमारा वर्क लोड ऑन हमेशा रहेगा वो वेकेशन हो, क्योंकि वेकेशन पर भी जब हम बाहर जाते हैं, लेट मी टेल यू, इट इज़ जस्ट अ चेंज ऑफ सिटी, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है. तो लेडीज़, यू कैन स्किप फ्रॉम टेकिंग बिकॉज इट्स योर शोल्डर्स हु कैन बेयर द पेन, हु कैन टेक द पेन. तो इसीलिए भगवान ने हमको चुना है. So enjoy that, and for males it is the holiday mode, and for the ladies it's the work load on, but enjoy this work load on. So this is a bye from me today, and see you all tomorrow. Thank you, bye bye.